नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो खास रहने वाला है एएलपीओ टेक्नीशियन के लिए। सीबीटी 2 होने वाला है आपका 12 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में। नेगेटिव मार्किंग आपकी पार्ट ए और बी दोनों में रहेगी। 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा, आपको कोई भी ब्रेक नहीं दिया जाएगा, कंटिन्यूअस एग्जाम होगा, पार्ट ए पहले और पार्ट बी बाद में। तो ये तो रही इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम की, क्योंकि बच्चे काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे थे इसके रिगार्डिंग, तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ स्टार्टिंग में ही। आज मैं करने जा रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के 2018 के क्वेश्चंस मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ, और बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मैं कवर कर लूँगा, और आपके दिसंबर से पहले आपके सारे करंट अफेयर्स मैं करवा दूँगा अपने चैनल पर। तो चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। अब स्टूडेंट्स देखिए, जो पार्ट ए है उसके अंदर जो एक पोर्शन है आपका, कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के बेस पे होंगे, तो उसको आपको पक्का कर लेना है। अब चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ने लॉन्च की है एक ऐप, ताकि आप चेक कर सके कि कोई पर्सन जो जीएसटी कलेक्ट कर रहा है क्या असल में वो गवर्नमेंट को जीएसटी दे रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ऐप बनाई गई है बेसिकली रेस्टोरेंट के अंदर जो जीएसटी लिया जाता है कस्टमर से, क्या वो जो रेस्टोरेंट का मालिक है क्या वो जीएसटी भर रहा है, इस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। और इस ऐप के बारे में बात करता हूँ स्टूडेंट्स, तो इस ऐप का नाम है क्या, जीएसटी वेरीफायर ऐप। इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि वो पर्सन जीएसटी भरता है या नहीं। इसे डेवलप किया है पी रघु किरण ने, जो कि जॉइंट कमिश्नर है जीएसटी के। अब यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका साइंस डे से, नेशनल साइंस डे, या फिर आप कह सकते हैं हिंदी में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो विज्ञान दिवस जो है वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, ये मनाया जाता है जन्म दिवस के उपलक्ष में रामानुजन के। 28 तारीख को इनका जन्म हुआ था और उन्हीं के जन्मदिन को मनाने के लिए साइंस डे के तौर पे मनाया जाता है। इस बार का साइंस डे की थीम क्या थी, तो इस बार की साइंस डे की थीम थी स्टूडेंट्स, देखिए इस बार की साइंस डे की थीम क्या थी, तो इस बार की साइंस डे की थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर इस बार थीम थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ कंट्रीज अनमैन टैंक। देखिए भारत का जो पहला अनमैन टैंक है यानी कि मानव रहित टैंक, उसका नाम बताना है आपको, तो उसका नाम है स्टूडेंट्स देखिए मंत्रा। मंत्रा जो है ये 3 वर्जन में लॉन्च किया गया है। पहला है एस वर्जन, एम वर्जन और एन वर्जन। तीनों के अलग अलग कार्य हैं। एम जो है माइन डिटेक्ट करता है, एन जो है न्यूक्लियर वेपन्स के लिए बनाया गया है, और बाकी इसको डेवलप करने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इसे डेवलप किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने डेवलप किया है इसे, और डीआरडीओ का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 1958 में, और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय है इसका नई दिल्ली के अंदर। तो याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। अब यहाँ पर देखिए, इंडिया की जो 4G स्पीड कितनी है रैंक, तो रैंक बतानी है आपको 4G स्पीड अक्रॉस द ग्लोब में इंडिया की रैंक कितनी है, तो इंडिया की रैंक है 109। पाकिस्तान की जो रैंक है वो इंडिया से ऊपर है 4G स्पीड के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ डाउनलोड स्पीड की, तो देखिए 9.12 Mbps स्पीड है इंडिया की डाउनलोड स्पीड, और ये जो इंडेक्स बना था 124 कंट्रियों का बना था, जिसमें 109 रैंक है इंडिया की। और इस इंडेक्स को टॉप किसने किया था, इसे टॉप किया था कतर ने। कतर जो है कंट्री, वहाँ पर जो स्पीड है डाउनलोड की वो 63.2 Mbps है। नॉर्वे की भी स्पीड इसके लगभग ही है, 62 point something है, और दूसरे नंबर पर है वो। अब आगे चलते हैं और देखते हैं फोर्थ नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ माइंस कहाँ पर हुई थी। तो देखिए फोर्थ जो नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ माइंस थी वो हुई थी इंदौर के अंदर, जो कि मध्य प्रदेश में है, और ये ऑर्गेनाइज करवाई थी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। तो ये टॉपिक्स आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। इसरो ने सेटअप किया है टेली मेडिसिन सेंटर कौन से स्टेट के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट्स, जम्मू कश्मीर के अंदर टेली मेडिसिन सेंटर सेटअप किया गया है, और इसे सेटअप करने का मेन कारण क्या है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो यात्री हैं, पिलग्रिमेज हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, वहाँ पर यात्रा करने लोग आते हैं, और हाई एल्टीट्यूड की वजह से वहाँ पर कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आती हैं यात्रियों के साथ, और तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए वहाँ टेली मेडिसिन सेंटर डेवलप कर रहा है इसरो, ताकि जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं उनकी हेल्प लिया जा सके उस जगह पर भी जहाँ पर वो अवेलेबल नहीं है। इसके बाद YouTube के ऊपर एक क्वेश्चन है, देखिए YouTube इन्वेस्ट करने वाला है कितना पैसा टू फाइट फेक न्यूज़। जो फेक न्यूज़ होती है उनको फाइट करने के लिए YouTube कितने पैसे इन्वेस्ट करने वाला है, तो देखिए YouTube इन्वेस्ट करने वाला है $25 million YouTube इन्वेस्ट करेगा टू फाइट फेक न्यूज़। 8वें क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखिए सबसे पहले इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है टेलीफोनिक सर्विस, और कौन सी कंपनी लॉन्च कर रही है, BSNL कर रही है। मैं आपको बता दूं टेलीफोनिक सर्विस है क्या, बेसिकली एक ऐप डेवलप कर रही है BSNL, और उस ऐप के ज़रिए आप बिना सिम के भी किसी भी मोबाइल पर फ़ोन कर सकते हैं और किसी भी पर्सन से बात कर सकते हैं। तो
इसीलिए ये ऐप डेवलप किया है इस बीएसएनएल ने, और जल्दी ही ये स्टार्ट हो चुका है बीएसएनएल की ऐप फर्स्ट इन टेलीफोनिक सर्विसेज बाय बीएसएनएल। इसके बाद देखिए इंडिया का जो पहला मल्टी पीटा फ्लॉप सुपर कंप्यूटर है वो भी लॉन्च हुआ है, उसका नाम पूछा गया है तो देखिए प्रत्युष नाम है। ये क्वेश्चन बहुत ही आया था ग्रुप डी एग्जाम्स के अंदर भी, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। प्रत्युष नाम है पहले फास्टेस्ट मल्टी पीटा फ्लॉप सुपर कंप्यूटर का। इसके बाद देखिए इंडिया की एक वैक्सीन है। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन, इंडिया की पहली ऐसी वैक्सीन है जिसने WHO टेस्ट पास कर लिया है। WHO टेस्ट पास करने के बाद ये राइट हो जाता है किसी भी वैक्सीन ऑनर को कि वो अपनी वैक्सीन को ऑल अक्रॉस ग्लोब बेच सकता है, तो वर्ल्ड के अंदर वो कहीं भी बेच सकता है अभी से। अब देखिए इस वैक्सीन का नाम क्या है, पहली ऐसी वैक्सीन है जो WHO टेस्ट को पास करी है, वो है रोटोवैक वैक्सीन। अब जो रोटोवैक वैक्सीन है ये रोटो वायरस जो होते हैं उनको टैकल करने के लिए बनाई गई है, और डायरिया जो रोग होता है बच्चों के अंदर काफ़ी, उसमें ये काफ़ी कारगर होती है। इसके बाद देखिए इसे डेवलप किया है हैदराबाद की एक कंपनी ने। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क कौन से स्टेट में डेवलप हुआ है। अब इसके अंदर कई क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट्स, देखिए मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि कर्नाटका के अंदर ये डेवलप हुआ है, और जो जगह है वो है टुमकूर। टुमकूर जो जगह है कर्नाटका के अंदर, वहाँ ये सोलर पावर पार्क डेवलप हुआ है वर्ल्ड का लार्जेस्ट, और इसका जो नाम है वो है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल नाम है इसका, याद रखिएगा। और जो इसकी टोटल कैपेसिटी है 2000 मेगावाट की है। पहला जो पार्ट बनेगा वो 600 मेगावाट प्रोड्यूस करेगा, और दूसरा पार्ट प्रोड्यूस करेगा 1400 मेगावाट। तो ये है वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क। इसके बाद देखिए पीयूष गोयल ने अभी हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप अनऑथराइज कोल माइनिंग को डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसकी कंप्लेन कर सकते हैं कि कोई पर्सन अनऑथराइज कोल माइनिंग तो नहीं कर रहा है। तो इस ऐप का नाम है खान प्रभारी। अब देखिए खान प्रभारी जो है, इस ऐप के थ्रू आप कोई इन्फॉर्मेशन लॉन्च करेंगे या फिर कोई कंप्लेन करेंगे तो उस स्टेट के सभी SP DSP बड़े बड़े ऑफिशियल्स के पास इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, और उनको तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना होगा। इसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ बना है। तो देखिए फ्लोटिंग पावर प्लांट बना है रशिया के अंदर, रशिया के अंदर पहला न्यूक्लियर फ्लोट पावर प्लांट बना है फ्लोटिंग। अब 105, इसके बाद देखिए 105 105th इंडियन साइंस कांग्रेस, यानी कि नेशनल साइंस कांग्रेस भी कह सकते हैं आपको, कहाँ पर हुई है। तो ये जो कांग्रेस हुई है ये हुई है इम्फाल के अंदर, इम्फाल के अंदर मणिपुर यूनिवर्सिटी है, और वहीं पर ये कांग्रेस ऑर्गेनाइज की गई है, इंडियन साइंस कांग्रेस। और इसका जो थीम था वो क्या था इस बार, तो इसका थीम था रीचिंग द अनरीच बाय साइंस। थीम को याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि थीम कई बार पूछ लिया जाता है। तो 105वीं कांग्रेस इम्फाल में हुई है मणिपुर यूनिवर्सिटी में, और थीम रहा है रीचिंग द अनरीच बाय साइंस। आफ्टर दैट वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ है, किसने लॉन्च किया है और उसका नाम क्या है। तो देखिए USA ने लॉन्च किया है ये सुपर कंप्यूटर, और इसका नाम है समिट। तो नाम याद रखिएगा, मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर समिट है, और USA द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद कौन सा ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने टाई अप किया है नेशनल वुमेन कमीशन के साथ डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम को एनहेंस करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए। तो देखिए इसका नाम है फेसबुक। फेसबुक ने टाइप किया है, अभी मैंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात की थी यूट्यूब, फेक न्यूज़ को रोकने के लिए $25 मिलियन वो इन्वेस्ट करने वाला है इंडिया के अंदर, और फेसबुक ने इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम को एनहेंस करने के लिए नेशनल वुमेन कमीशन के द्वारा टाइप करा है, और उनको बढ़ावा देगा वो। इसके साथ साथ चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट देखिए गोफान फाइव जो एक सैटेलाइट है, ये बेसिकली किस लिए यूज़ होती है पहले बता दूं आपको। ये सैटेलाइट यूज़ होती है आपके एयर पोल्यूशन के डाटा को कलेक्ट करने के लिए, ग्रीन हाउस कितना है, कंटेंट कितना है, वाटर वेपर्स कितने हैं, इन सब चीज़ों के डाटा को कलेक्ट करने के लिए गोफान फाइव सैटेलाइट बनाई गई है। और इसे लॉन्च कौन सी कंट्री कर रही है, इसे लॉन्च कर रहा है चाइना। चाइना इससे पहले भी अभी एक हाल ही में एक सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है इसी बेस के ऊपर। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश का, बांग्लादेश के अंदर जो पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट डेवलप की गई है उसे लॉन्च किसके द्वारा किया जा रहा है। तो उसे लॉन्च किया जा रहा है स्पेस एक्स के जरिए। तो देखिए इंडिया के ऊपर काफ़ी डिपेंड रहता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के जो इससे पहले सैटेलाइट का नाम है वो है बंगा बंधु। काफ़ी फेमस लीडर रहे हैं बांग्लादेश के, उनके नाम पर इनका नाम बंगा बंधु रखा गया है, और स्पेस एक्स इसे लॉन्च कर रहा है। इसके बाद देखिए एक ऐप है उजवान ऐप, ये कौन से स्टेट द्वारा लॉन्च की गई है, ये लॉन्च की गई है तमिलनाडु द्वारा। आगे चलते हैं कौन सी सिटी ने 4G कनेक्टिविटी में टॉप किया है। तो देखिए पटना जो एक शहर है उसने 4G कनेक्टिविटी में टॉप किया है इस लिस्ट के अंदर। इसके बाद बात करते हैं 5G लैब की। तो स्टूडेंट देखिए 5G जो लैब है इंडिया के अंदर कहाँ इस्टेब्लिश हुई है, तो IIT दिल्ली के अंदर ये 5G लैब इस्टेब्लिश की जा रही है, ताकि वहाँ पर इसके जो इस्टेब्लिशमेंट है बाकी चीज़ें हैं उसको टेस्ट किया जा सके इंडिया के अंदर,
कि कितना सक्सेसफुल रहेगा ये। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ क्वेश्चंस थे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बेस्ड थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, और पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। सो गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।